ओए कहाँ के रहने वाले हो? मोहाले से हूँ। रिडीमर कैथोलिक चर्च अंबाला कैंट। नमस्कार, मैं हूं प्राची उपल अंबाला प्रोडक्शन की टीम से, और आज हम आए हैं होली रिडीमर कैथोलिक चर्च जो कि अंबाला में स्थित है। तो आइए अंदर चलते हैं और इसका इतिहास जानते हैं। होली रिडीमर चर्च का इतिहास 108 साल पुराना है। इसका निर्माण इटालियन कैपेचीन फादर वेनेंस ने 1848 में किया था, जब करनाल से ब्रिटिश आर्मी के सैनिकों का तबादला अंबाला में हुआ, और तभी से अंबाला को आर्मी स्टेशन बना दिया गया। चर्च का दौरा भारत के एकमात्र कैथोलिक वाइसरॉय लॉर्ड रिपन ने कोलकाता से शिमला जाते हुए किया था। चर्च के दाएं तरफ पादरियों के रहने के लिए घर भी बनवाया, जो कि किन्हीं कारणवश जल गया। 1890 में इन्हीं घरों का पुनर्निर्माण करवाया। इसी के साथ साथ सोल्जर क्लब का निर्माण भी किया, जो कि बाद में ढह गया। पुनर्निर्माण के पश्चात यह आज की तारीख में भी क्वार्टर स्टाफ के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। में मिलिट्री चैपलिन फादर फिडलिस ने यहां पर एक उर्दू स्कूल बनवाया, जो कि बाद में हिंदी स्कूल में तब्दील कर दिया गया। 20वीं सदी के आते आते यह चर्च, जो कि फादर वेनेस द्वारा बनवाया गया है, यह खंडर में तब्दील होने लगा, और फादर पीटर मैरी ने इस चर्च का पुनर्निर्माण करवाया। हमारे साथ हेमंत जी हैं, जो कि इस चर्च के एक मेंबर हैं। तो आइए जानते हैं इनसे कुछ इतिहास की बातें इस चर्च के बारे में। यह चर्च बहुत ही पुराना है और ऐतिहासिक है। इस चर्च को तीर्थ स्थान भी घोषित किया गया। आसपास के इलाके में यही एक सबसे पुराना चर्च है, इसलिए इसको ऐतिहासिक मॉन्यूमेंट के नाम से भी जाना जाता है, साथ में एक तीर्थ स्थान से भी जाना जाता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सपोर्ट करें हमारी नई सीरीज एक्सप्लोरिंग अंबाला को। फिर मिलेंगे एक नई जगह पे पुराने इतिहास के साथ।
हैं।